अगस्त का महीना आते ही कटिहार जिले में बाढ़ अपना तांडव मचाना शुरू कर देती है। हालांकि इस बार बाढ़ का तांडव अपेक्षाकृत कुछ कम नजर आ रहा है। बावजूद इसके जिन गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है वहां इसका तांडव विनाश के कगार पर है। धीरे धीरे बाढ़ के तांडव का शिकार मनिहारी के गाँव भी होने लगे हैं। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू के अनुसार मनिहारी के दक्षिणी काटाकोस पंचायत के कई गाँव में बाढ़ का पानी तांडव मचाने लगा है। ऐसे ही गाँव में पहुंचे हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू। गांव का नाम है अलीगढ़। तो चलिए चलते हैं अलीगढ़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां हमारे संवाददाता मिट्ठू खुद मौजूद हैं। मनिहारी में बाढ़ का तांडव है। इस बाढ़ के बारे में आज हम पहुंच चुके हैं दक्षिण कटाकोस का अलीनगर दियारा। दियारा में देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी से पूरा जलमग्न है और बाढ़ के बीच में सिसकती जिंदगी, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन जी रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम अफसर अली जी। और हमारा यहाँ बाढ़ पीड़ित में बहुत मने स्थिति गंभीर है सर, और आगे चल करके हमको कोई राहत नहीं मिल रहा है। आप और देखभाल करने के लिए हम लोग मुखिया को बुलाए हैं और बुला करके हम लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये हम लोग स्थिति में क्या होगा, क्या हम लोग को कुछ मिलने वाला है कि नहीं है। और आगे चल करके हमको मुखिया जी आश्वासन दिया है कि ठीक है, आप आगे तो क्या हम जाके ब्लॉक से कोई आवेदन लेकर लिखवा कर भेजेंगे, वहाँ से कोई राहत देगा। अभी क्या सुविधा मिलना चाहिए? अभी हमको अभी खाने का सूखा कोई चूड़ा या मैं पोलिथन यही सब रहने के लिए चाहिए। क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हम लोग का नाव नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है। नाव मिलना चाहिए वो सहारा, और उसके बाद सूखा राशन खाने के लिए जी रहे हम लोग पानी में जी। आप देख सकते हैं कि ये दियारा इलाका के लोग हैं हमारे पीछे, और इस इलाका के लोग के साथ किस तरह का जलमग्न से संकट के घड़ी में कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, चलिए हम इनसे भी जानने के प्रयास करते हैं। जी क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर हम लोग का दिक्कत यही है कि यहाँ आप लोग का चूल्हा आज 10 दिन से पानी हो गया है, चूल्हा तक कुछ नहीं जल रहा है इसे पानी की वजह से, और कोई अभी तक कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से अभी तक। इसलिए सर देखिए हम लोग का पानी में सब घर डूबा हुआ है पानी से, इसी नाव में किसी से तरफ से अनजान करते हैं, कोई नाव भी नाव का भी सुविधा नहीं है यहाँ। क्या अब तक कोई सरकारी कर्मी आया? जो कोई नया कोई पोलोथीन मिला ना, एक कोई राशन पानी मिला ना, कुछ मिला अभी तक कुछ नहीं मिला अभी तक। तो यही सर हम लोग का ये है कि 10 रोज से बाढ़ आ गया है, इतना दिन से हम लोग का चूल्हा चटिया नहीं जल रहा है, खाने के लिए ये सब तकलीफ भी है, चलने पानी इधर उधर जाने का सुविधा भी नहीं है हम लोग के। हम लोग सुविधा चाहिए सरकार का, हर चीज़ चाहिए सरकार का, मिलने के बाद हम लोग को सुविधा मिलेंगे तो हम लोग का ठीक होंगे। अभी फिलहाल बहुत तकलीफ में हम लोग का। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना तकलीफ से बहुत, सत्व वगैरह ये सब खाना पीना खा के कैसे करके पाल रहे हैं दिन। अब कौन अजहर आ लिए जी, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टीन वाली नाव है, और इसी नाव से जो है यहाँ के लोग एक राशन का दुकान जाना हो या कुछ भी काम से जाना हो, इसी नाव से ही यहाँ के लोग जो है आवागमन कर रहे हैं। ऐसे जगह पर सरकारी नाव की भी ज़रूरत है, लेकिन अब तक नाव की भी सुविधा नहीं दी गई है। मोहम्मद सयान, क्या दिक्कत क्या हो रहा? बहुत दिक्कत है सर, माल गुरु लेके बाढ़ पानी, बहुत राशन पानी के वहाँ पर ही हो रहा है। क्या अभी कुछ मिला है आप लोग? कुछ नहीं मिला है सर अभी तक। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसमें कुछ राशन पानी सूखा होना चाहिए, बाढ़ पीड़ित हो गया है चारों तरफ, क्या बोलेंगे, माल गोरू लेके बहुत लाइन का किनारा पर खड़ा है। बाल बच्चे को कैसे खाना पीना खिला रहे हैं? बहुत दिक्कत में चल रहा है अभी तक, तो एक बेला बनता है एक बेला नहीं बनता है खाना। क्या बना रहे हैं आप? खाना कुछ नहीं, वही भात चोखा आलू का। अच्छा, और क्या बनाएंगे, पानी में इतना बहुत दिक्कत हो रहा हमको। क्या अब तक कुछ मिला है? कुछ नहीं, क्या देगा सरकार, अभी तक कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं मिला? नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? क्या सरकार जो देगा वही ठीक है। अभी तत्कालीन सुविधा क्या मिलना चाहिए? सुविधा क्या, घर में खाने उने का हम लोग को नहीं है कुछ। एक आदमी कमाने वाला आदमी बाहर था, अभी कल आया है, वो उतना मजबूत नहीं है कोई चीज हमको ला कर दे सकता है। आसमानी बारिश पड़ जाए तो क्या पॉलीथिन की जरूरत है? हाँ, प्लास्टिक का हमको जरूरत है। क्या अब तक कोई सरकारी कर्मी आया है? कोई नहीं, क्या कौन आएगा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वो पूरा वसोरा छूता है, पूरा लकड़ी भेजता है, बच्चा भेजता है, हम भेजते हैं, तो किसी तरह का कुछ कुछ ढाक के रहते हैं वहीं पर। आपके आंगन में पानी भी है? हाँ, पानी है, बहुत दिक्कत,
बाहर जाते हैं तो जांग भर पानी होता, कपड़ा भीजता है, छोटा बच्चा बार बार पानी में जाता है, इसीलिए उसको लेके 24 घंटा बैठ के रहते हैं। कहीं किसी के यहाँ गए तो कपड़ा भीज के गिए फिर आए पानी में ही। जी अभी हम मनिहारी के दियारा इलाका में हैं और इलाका में जो है बाढ़ का कहर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में देख सकते हैं कि एक महिला के आंगन में इतना पानी है जो कि एक ऊंचा स्थान पे किसी तरह चूल्हा में आग लगाकर अपने भरण पोषण के लिए बच्चे को खाना दे रही है। जी हमारे साथ कुछ लोग हैं और उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आपके पंचायत में सरकारी कर्मी के द्वारा क्या सरकारी उपलब्ध मिला है या नहीं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद अनुलग। अनुलग, क्या सुविधा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला अभी। कितना दिन से पानी है? पानी मोटामोटी 15 दिन से है। 15 दिन से। तो क्या मांग क्या रहेगा आप लोगों का? मांग क्या रहेगा, वही प्लास्टिक उलास्टिक कुछ दे, सरकार जो भी देगा ठीक रहेगा। अगर नीचे पानी है ऊपर से आसमानी पानी पड़ना स्टार्ट हो जाए तो क्या आप लोगों का जिंदगी कैसे कटेगा? जिंदगी कैसे कटेगा, पानी ऊपर से गिरेगा तो वही प्लास्टिक उलास्टिक का व्यवस्था चाहिए। जी हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाके का कुछ लोग था और उनसे जानने की प्रयास किए। यहाँ बहुत संकट का जिंदगी संकट में जिंदगी कट रहा है और वैसे लोगों को तत्कालीन सुविधा देना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत मांग भी है। और ऐसे पंचायत में चिन्हित करके सर्वे करा करके ऐसे समय पर लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। जी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं और उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कत है और किस तरह से आप लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं। जी क्या नाम है? मोहम्मद कसूर। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर, हम लोग तो पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, और कोई अभी राहत हम लोग को नहीं मिला है, अभी भूखा प्यासा है हम लोग। अच्छा, अब जो सरकार देगा वो हम लोग को लेने ही होगा। तो पानी में कैसे बाल बच्चा को पोस रहे हैं, रख रहे हैं, क्या करेंगे अब? अभी तो भूखे प्यास में है हम लोग। हाँ। अब जो देगा सरकार। क्या नाम हुआ? रुहुल अमीन सर। क्या कैसा जिंदगी कट रहा है अभी? बहुत मुश्किल से जिंदगी कट रहा है बाढ़ पानी में सर। अच्छा, और अभी तक सरकारी कोनो लाभ नहीं मिला है, कोन अधिकारी अभी तक नहीं आया है। अच्छा, और जल्द से जल्द सूखा राशन प्लास्टिक मुहैया किया जाए इस बाढ़ के क्षेत्र के लोगों को। अच्छा, क्या नाम बताएं आप? रुहुल अमीन सर। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद हकीम। क्या परेशानी है? परेशानी यही तो देखिए रहे, हमारे घर में फोटो वोटो ले रहे हैं आप लोग, यही घर है हमारा, देखिए किस तरह से परेशानी है, बाल बच्चा सब भूखा है 4 दिन से। अच्छा, कहीं ऊपर से पानी बरस जाता है तो उसके लिए भी दिक्कत है, पन्नी का प्लास्टिक का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, राशन पानी सूखा चाहिए हम लोग को, बाहर पानी में तो बना नहीं सक पा रहे हैं, यही सब दिक्कत। अब तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। अच्छा, और हम लोग परेशानी में हैं बहुत ज्यादा। जी यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ वैसे लोग हैं पंचायत के, अब तक लोगों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराए हैं उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको इस पंचायत के प्रधान से हम मिलाने की कोशिश करेंगे कि लोगों से अब तक लोगों को क्या सुविधा दिलाई है। जी अपना परिचय दें। हम दक्षिणी कांटा कोष के मुखिया धोनी नाम है मेरा जी। लगातार हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है हमारे पंचायत के लोगों को। तो हम लोगों ने आज अलीनगर दियारा आया तो बहुत ही मुश्किल जो है कि यहाँ का स्थिति है, और हम लोग जो है कि आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पंचायत दक्षिणी कांटा कोष के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं इस बाढ़ में। लगातार 15 से 20 दिन से जो है लोग जूझ रहे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ब्लॉक में दबाव बना रहे हैं कि हमारे पंचायत में कम से कम सूखा राशन का जो है व्यवस्था किया जाए और एक किचन जो है रसोई किचन चलाने का जो है व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के एक टापू के तरह एक आइलैंड के तरह फंसा हुआ है, चारों तरफ जो है कि जलमग्न है, पूरी तरह पानी जो है डूबा हुआ है। ये आपके चैनल से और भी एक प्रस्ताव हम सरकार को देना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पानी जो चारों तरफ आया है तो कुछ बीमारियाँ जो है दिख रहा है, एक मेडिकल जो कैंप का भी आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को जो है उस बीमारी से बचा जा सके। नोचनी का बीमारी जो है यहाँ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, जो पानी में उतरता है उसको जो है रात भर वो जो है पैर को नोचते रहता है, तो ऐसा जो है कि मेडिकल एक कैंप लगा करके जो है उसको मतलब कि देखना चाहिए। अच्छा, इस बाढ़ ग्रस्त इलाके में नाव की व्यवस्था मिली है? नाव की व्यवस्था यहाँ अभी सरकार की तरफ से जो है नहीं मिली है जी। हम लोगों ने
कल परसों जो है कि यहाँ के करीब 2-3 नाव को जो है अलर्ट किया है कि हम अपने निजी कोष से कि आप नाव चलाएं, आप लोगों का जो भी नाव नाभी का जो किराया होता है मैं उसको दूंगा ताकि कुछ राहत मिल सके। सरकारी कर्मी की तरफ से? सरकारी कर्मी की तरफ से अभी कुछ नहीं मिला है। तो क्या आपको क्या लगता है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि जो लोग डूबा हुआ है, जो मतलब कि चारों तरफ जो है कि वो लोग जो अपना जीवन व्यापन करने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा है, उनको जो है तत्काल सूखा राशन और पॉलीथीन का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बारिश जो है रात में बारिश हुई थी, सभी लोगों का जो भी चीज़ है सोने का ओढ़ने का सभी चीज़ जो है भींग गया है। जी हां, और आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं बिहार सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जो जीआर राशि 6000 रुपया जो राशि लाभों को जो मिलता है और उसका हम ये करते हैं कि इस ग्रामीण को अगर 6000 का राशि मिल जाए तो उससे अपना जीवन को कुछ हद तक जो है चला सकता है। जी, हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी जुड़े हुए थे और यहाँ की विशेष कठिन बातों को यहाँ पे रखा है और लोगों से बच्चों से अपील भी किया है कि इस बाढ़ ग्रस्त इलाके में बच्चे को जो है अपने सिस्टम में रखें जो कि कल के डेट में कोई अनहोनी घटना ना घटे। जी, हमारे साथ इस पंचायत के सरपंच है और उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि लोगों से क्या अपील रहेगा। जी, मेरा नाम राहुल रोशन और मोनू कुमार यादव, मैं दक्षिणी काटाकोस पंचायत के सरपंच हैं और यहाँ हमारे दक्षिणी काटाकोस में अली नगर दियरा में पूरे बाढ़ ग्रस्त इलाका हो चुका है और मैं सरकार से ही गुहार लगाऊंगा कि जितना जल्द हो उनको अपने तरफ से कुछ मदद मिलना चाहिए ताकि पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और हम लोग के हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जनता को सेवा कर पाऊँ, लेकिन तब पर भी मैं चाहता हूँ कि अपने समाज में हम दोनों भाई मुखिया सरपंच मिलके जहाँ तक हो जनता का सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले बच्चे डूब रहे हैं, घर में पानी हो गई है, आंगन में पानी है, महिला लोग कहीं जा नहीं पा रही है और बच्चे को लेके बहुत परेशान, खाना बनाने में समय लगता है, बच्चे पानी में खेलने लगते हैं और ऐसे कई तरह के हादसा हमारे पंचायत में हुआ है जो ये बहुत भयानक चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी ये जल में डूबे हुए हमारे परिजन हैं उनको प्लास्टिक का व्यवस्था किया जाए, सूखा राशन दिया जाए और जो जीआर राशि सरकार की ओर से मिलने का है वो सख्त मिला जाए। हाँ, और बस यहीं तक। जी, हमारे साथ सरपंच थे और सरपंच जो है यहाँ का बारे में दुख जताते हुए बहुत तरह की बात बोली है और आपको लेके चलते हैं हम यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति के प्रतिनिधि से और उनसे भी मुखातिब होते हैं कि यहाँ की समस्या किस हिसाब से है। जी, मैं मोहम्मद हबीबुर रहमान, पंचायत समिति प्रतिनिधि, अली नगर दियारा दक्षिणी कांटाकोस पंचायत के अंतर्गत आते हैं और इस पंचायत में 19 वार्ड है, सारे पंचायत के वार्ड जलमग्न है और यहाँ की जनता की स्थिति बहुत बद से बदतर है, खाना बना नहीं पा रहे हैं, बच्चों डूबे जा रहे हैं, ये 2 घटना हो चुका है इस गांव में। इसलिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सभी जनता को, जितने भी पीड़ित लोगों हैं सबको आर्थिक सुविधा के लिए 6000 का जीआर राशि, सूखा राशन, प्लास्टिक, गुड़ वगैरह जो है मुहैया करा जाए ताकि यहाँ की जनता के लोगों को कुछ राहत मिले सरकार द्वारा। इसलिए हम लोग इस पूरे क्षेत्र दक्षिणी काटाकोस क्षेत्र के जो है मुआयना में आए हुए हैं, हम लोग घर घर जो है घूम घूम के पानी में देख रहे हैं कि यहाँ की जनता की स्थिति क्या है, महिलाएं कहीं जा नहीं पाती है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे रोते बिलखते हैं पानी में, कहीं डूब जाते हैं। इसलिए सरकार से पुनः निवेदन कर रहा हूँ बिहार सरकार से कि इस दक्षिणी काटाकोस पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों के जनता को जो है सरकारी मुहैया दिया जाए। जी, हमारे साथ पंचायत के समिति जुड़े हुए थे और यहाँ के बारे में विशेष रूप से दुख जताया है, ऐसे लोगों को तुरंत मुहैया कराया जाए। मैं मिठू के विष्णु उच्च कटिहार। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही, सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल,
हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452-2425-73, मोबाइल नंबर 9297979709।